ने सी सेट की जो संचार कम्युनिकेशन स्किल्स पर बात की थी आज उसी से आगे अगले पॉइंट पर बात करते हैं अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान और पूरा और आज इसी वीडियो में पूरा कम्युनिकेशन सी सेट से संबंधित क्वेश्चन खत्म करेंगे यानी कि जो सुबह वीडियो आया था एक और आज ये दोनों वीडियो देख करके आप अपने आप में अगर तीन या चार या पाँच या छः नंबरों से रुके भी हैं सी सेट, पी ऐसी चीज़ें क्वाली फाई नहीं हुआ है तो इस बार नहीं होने देना है और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते आज जुड़ते हैं पहले समस्या समाधान बहुत ज़्यादा मैं समझाने का प्रयास करूंगा नहीं क्योंकि समय बहुत कम आप सब जानते हैं तो स्पीड से मैं पढ़ूंगा और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी जैसे ही वीडियो आ जाएगा उसके तुरंत बाद दिन प्रतिदिन उत्पन्न होने वाली समस्याओं का हल प्रत्येक व्यक्ति अपनी समस्या समाधान की क्षमता द्वारा खोज सकता है कुछ छोटी मोटी समस्याएँ प्रतिदिन उत्पन्न होती हैं वो उसका सॉल्यूशन हम लोग ढूंढते हैं जैसे अभी समस्या हम लोग सामने क्या है कि दस दिन में कोर्स को ख़त्म करना है तो कैसे खत्म करना है उसका हल हम और आपसे मिलकर ढूंढें जैसे कई जाते समय वाहन का खराब हो जाना आदि अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि अगर मेरे पास किसी समस्या के समाधान के लिए साठ मिनट हैं तो मैं पचपन मिनट इसे परिभाषित करने में लगाऊंगा और पाँच मिनट इसे हल करने में क्या बात कही है? समस्या की विशेषताएं क्या होती हैं सभी समस्याओं की दो प्रमुख विशेषताएं होती हैं पहला तो एक लक्ष्य होता, होता है टारगेट होता है समस्या किसी लक्ष्य को निर्धारित करने या किसी इच्छित स्थिति को हासिल करने के साथ साथ किसी घटना के बचाव से संबंध होती है जैसे अभी पी प्री आपका है चौदह मई को तो अभी आपका लक्ष्य क्या है चौदह मई अब उससे संबंधित कोई समस्या हो सकती है अवरोध यद किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में कोई अवरोध नहीं है तो कोई समस्या नहीं होगी तुरंत आने वाली बाधाओं या रुकावटों को पार करके लक्ष्य हासिल करना समस्या समाधान में ही होता है अब मान लीजिए आपने पूरा कोर्स पहले से तैयार कर रखा है तो चौदह मई पीछे के लिए आपको कोई अवरोध नहीं है और अगर आपने तैयार नहीं भी कर रखा और समय भी बहुत नहीं है उसमें भी आपको शादी बारात में जाना हुआ तो कहीं ना कहीं आपके सामने अवरोध आएगा उस और उस अवरोध से अपने आप को आप कैसे पार पाएंगे कैसे एक्सराम मेहनत करेंगे ये सब क्या करेगा समस्या समाधान भी नहीं थोगा अब समस्या समाधान के चरण क्या होते हैं स्टेप क्या होते हैं ये देखिए हमेशा पूछे जाते हैं टिक कर लीजिए पहला तो समस्या को परिभाषित करना है पहचानना आप पहले उस चीज़ को जाने की प्रॉब्लम है क्या

जिन आप उपयोग में ला सकते हैं तो कौन कौन से उपयोग में आप ला सकते हैं देख लीजिए समस्या को पहचानें सबसे पहले समस्या का विश्लेषण करें हल हेतु तो अनेक विषय ढूंढें सकारात्मक सोचें तार्किक ढंग से विचार करें कल्पनाशीलता विकसित करें सर्वोत्तम परिणाम की दृश्य करें सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें समस्या समाधान कर दें हो गए यही चरण है आएंगे तो आप मिला लीजिएगा समस्या समाधान के समय क्या नहीं करना है ये मत करिए कि ये मेरी समस्या नहीं है जैसे कुछ होता है ना कुछ ग्रुप में काम कॉलेज में अगर आपको कहा जाए अरे मेरा काम थोड़ी उनका काम है मुझसे ना पूछें अब क्या है समस्या के प्रति असावधानी और समस्याओं को खड़ी करने वाला समाधान ढूंढना वही वाली बात है ना कि आसमान से अटके खजूर आसमान से गिरे खजूर मटके वाले समाधान में ढुलमुल रवैया अपनाना जान रहे कि दस दिन बचे प्री गए तब भी भी अरे कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे जिम्मेदारी किसी अन्य पर डालना कि क्या करें पढ़ तो लेते थे घर में मौका ही नहीं मिल पाया बच्चे शोर कर रहे थे वगैरह वगैरह जटिल समस्या को समाधान करने के लिए दृष्टिकोण क्या क्या हो समस्या को परिभाषित करना सबसे पहले समस्या के सभी प्रमुख कारणों की जांच करना समस्या को हल करने के सभी विकल्पों की पहचान पूर्वक एक विकल्प का चुनाव उत्तम विकल्पीय क्रियान्वयन हेतु व्यवस्थित योजना का विकास योजना के कार्यान्वयन का सत्कर्तापूर्वक निरीक्षण ये सुनिश्चित करना कि समस्या का समाधान हुआ या नहीं अब देखिए समस्या समाधान में क्या क्या बाधाएं हाँ आती बहुत पूछी जाती हैं बाधाएं हाँ, क्या बैरियर्स क्या क्या होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में पहला होता है पुष्टि पूर्वाग्रह आप पहले से ही बायस दे किसी के प्रति मानसिक अवस्था मेंटल सेट कैसा है आपका मानसिक अवस्था कैसी है कार्यात्मक जड़ता फंक्शनल है ना आपके अंदर कितनी जड़ता है आवश्यक विशेषताएँ हैं है या कि नहीं नेसेसरी आपके पास नॉलेज उसकी है या नहीं अप्रासंगिक जानकारी इ रिवेंट इंफॉर्मेशन समस्या कोई दूसरी है जानकारी आपकी उस कोई तीसरी युक्तें तो ये सब बाधाएं टिक करते चलिए परेशान मत हुई पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप अनुपम जिस ग्रुप में समस्या समाधान की युक्तियाँ क्या क्या हो सकती हैं तो सबसे पहली युक्ति क्या होगी संक्षेपण सबसे पहले समस्या को जितना आप सॉल्व कर लें समस्या को वास्तविक तंत्र में हल करने से पहले हम उसे छोटे मॉडल तंत्र में हल करके देखें सादृश्यता उसी तरह की जो पहली समस्या में क्या किया था ऐसे समाधान को प्रयोग करना जिससे सादृश समस्याओं का समाधान किया मतलब अगर ऐसी कोई समस्या पहले आई थी मैंने ये प्री की बात करें लास्ट ईयर हमने बारह दिनों में कितना पढ़ लिया था उस बार इतना पढ़ लें ऐसा करना फिर बुद्धि ऋत्यंजन लोगों को समूह के बीच समस्या के समाधान में अनेक विकल्प और विचार रखना तदोपरांत इन्हें विकसित और संयुक्त करके इस तरह प्रयास करना कि एक सर्वोत्तम समाधान भी निकल सके फिर विभाजन और समाधान की प्राप्ति डिवाइड एंड कंक्यू एक बड़ी और जटिल समस्या को छोटी छोटी हल करने योग्य समस्याओं में विभाजित करके संपूर्ण समस्या के समाधान को सिद्ध करना जैसे अभी अब दस दिन बचे हुए हैं तो हम तय कर लेंगे आज यूपी रिवाइज करेंगे कल करंट रिवाइज करेंगे परसों पासा रिवाइज कर लेंगे फिर ऐसा करके परिकल्पना की चीज हाइपोथेसिस है बनाते हैं परिकल्पना की जाँच जो हाइपोथेसिस बनाएंगे समस्या की संभावित व्याख्या परिकल्पित करना किसका हाल ये आएगा और इसे सिद्ध करना या कुछ संदर्भों से अमान्य करना कि ऐसा नहीं हो सकता है हो सकता है पारसोस लेटरल थिंकिंग अप्रत्यक्ष और रचनात्मक तरीके से समाधान की ओर बढ़ना साधन साध्य विश्लेषण है ना मीन इंड एनालिसिस लक्ष्य के निकट पहुंचने के लिए प्रत्येक कदम पर किया गया क्रिया का चुनाव करना साधन और साध्य क्या क्या होंगे मूल कारण का विश्लेषण समस्या के मूल कारण की पहचान करना परीक्षण एवं त्रुटि विधि संभावित समाधानों का परीक्षण करना जब तक कि सही समाधान न मिल जाए अब आते हैं मौखिक एवं गौर मौखिक संचार क्या क्या होता है ना ओरल एंड नॉन वर्वल वर्वल, वर्वल कम्युनिकेशन तो पहला मौखिक संचार मौखिक संचार के अंतर्गत वाणी या भाषा का प्रयोग किया था जिसे संबंध पक्ष द्वारा समझा सकता है जैसे हम बात कर रहे हैं भी आपसे गैर मौखिक संचार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है चेहरे का हाव भाव आवाज़ का लहजा स्वरमान टोन एंड पिच वॉइस भाव भंगिमा इशारों का प्रदर्शन गैस्चर पोस्चर थोट बॉडी लैंग्वेज और संवादकर्ताओं के मध्य भौतिक दूरी आदि आते हैं गैर मौखिक संकेत मौखिक संचार से अधिक सुरक्षित और अधिक अतिरिक्त सूचना दे सकते हैं अब देखिए गैर मौखिक संचार के प्रमुख तत्व तो क्या होते हैं तो जो नॉन वर्बल बर्बुल प्रमुख वोकल केसेस हैं मौखिक संकेत हैं वो क्या क्या है गौर मौखिक संचार एक प्रकार है इसके अंतर्गत है स्वरमान पिच ना ट्विस्ट लहजा टोन आवाज की तीव्रता वॉल्यूम भाषण की गति मोशन ऑफ द स्पीच सीखे मोदी से या अटल बिहारी वाजपेयी जी से या अन्य जो आपको अच्छा लगता हो क्वालिटी कुमार विश्वास को देख लीजिए अगर आप जानते विश्वास में और वर्बल साउंड उच्चारण प्रोनाशिएशन प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन और मौन साइलेंस आदि सब इसमें आते हैं वोकल के मौखिक संकेत अब शरीर की गति एवं हाव भाव इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के आगे की ओर झुकना किसी व्यक्ति की रुचि ये मतलब क्वेश्चन तो रुच आप, करते करते, आप, तो मतलब आप में है सिर हिलाना सिर हिलाना ऐसे करके तो सहमत को व्यक्त करता है उंगलियों द्वारा मेज को बजाना नीरसता मतलब मजा नहीं आ रहा है विरक्त अधिकता व्यक्त करता है क्लास में यहां पर हो गया चेहरे का हाव भाव भी एक समान्य प्रकार की गैर मौखिक संचार है नॉन बॉल कम्युनिकेशन है इसके अंतर्गत मुस्कुराना वक्ता एवं श्रोता के मध्य आंखों का संपर्क रोना एवं मुंह बनाना आदि आते हैं भौतिक निकटता या दो व्यक्तियों के मध्य रिक्त स्थान भी गैर मौखिक संचार के एक प्रकार के रूप में कार्य करता है स्पर्श को सामान्यता सकारात्मक एवं समर्थन प्रदान करने वाला माना जाता है जैसे किसी की पीठ थपतवाना पहनावा और शिल्प जैसे आप किसी पीठ थपताना इसका मतलब है कि आप सकारात्मक उसके प्रति है रखते हैं ये भी सब गैर मौखिक संतार साधन है शिल्प कृत्यों के अंतर्गत केश विन्यास कैसे हैं आपके आभूषण कैसे हैं श्रृंगार प्रशासन कैसा है घड़ियाँ जूते शरीर पर गोदना आ जाते हैं अब अंग विन्यास के प्रकार क्या क्या होते हैं वंद व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने वाला अंग विन्यास बंद व्यक्तित्व को जैसे बंद व्यक्तित्व का मुड़ी हुई और एक दूसरे में गुथी हुई बाहें ऐसे करके लोग बैठ जाते हैं कुछ एक पैर के ऊपर पैर मोड़ कर रखना एक पैर के ऊपर मोड़कर दूसरा पैर रखना या संवादकर्ता से एक विशेष कोण बनाते हुए संवाद करना मतलब तो बंद व्यक्तित्व आपका खुला व्यक्तित्व नहीं दिखाता है तो जैसे कहते हैं ना क्लोज और ओपन माइंडेड जो है खुले व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने वाले अंग विन्यास क्या होते हैं खुले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति द्वारा व्यक्ति से संचार करते समय निम्न अंग विन्यास का प्रयोग जैसे व्यक्ति से व्यक्ति के हाथ मुड़े हुए ना होकर कुर्सी के हत्थे पर होते हैं सीधे व्यक्ति संवादकर्ता से सीधे सम्मुख होकर वार्ता करता है अब आया संप्रेषण में भावभंगी गांव एवं उनका अर्थ पूछा है बहुत बार पीछे तेरह चौदह में भी पूछा हुआ है इधर भी पूछा सत्रह में भी क्या अर्थ होता है तो भाव भंगिमा का शिथिल मुद्रा बिल्कुल ढीले पाले बैठे हुए हैं तो व्यक्ति और वार्तालाप में दिलचस्पी को इंगित शिथिल मुद्रा है तो व्यक्ति और वार्तालाप में दिलचस्पी को इंगित करता है शिथिल मुद्रा बाहें आराम की मुद्रा में तो है तो निष्कपटता एवं खुलेपन का संकेतक है आंखों के बाद अच्छा संपर्क हो रहा है तो दूसरे व्यक्ति में दिलचस्पी का संकेत है कि आप दिलचस्पी ले रहे हैं उसमें सिर हिलाना दूसरे व्यक्ति द्वारा कही गई बातों में दिलचस्पी और उसके प्रति समझ का संकेत आगे झुकना श्रोता द्वारा वक्ता की बात में रुचि एवं उसकी एकाग्रता का धोतक होता है पीछे झुकना विभ्रांति अत्यधिक आत्मविश्वास का सूचक होता है तरोताजा होने के साथ सीधा खड़ा रहना आत्मविश्वास का धोतक पैर पर पैर चढ़ाकर रखना उचार दिखाने का प्रयत्न या उचार दिखाने का धोतक छाती पर बाह फ छाती पर बाह पर फसाना ऐसे होता है कुछ ऐसे खड़े होते हैं छाती पर बाह पर बाह फसाना, फसाना बचाव की मुद्रा जेब में हाथ डालकर चलना उदासी का धोतक बहुत से लोग होते जेब में हाँ डाल हैं हमेशा गाल पर हाथ रखना चिंता एवं सोचने का संकेत चिंता एवं सोचने का संकेत नाक का थोड़ा थोड़ा छूना और रगड़ना कुछ ऐसे करते रहते हैं नाक का थोड़ा थोड़ा छूना और रगड़ना अस्वीकृति शंका का धोतक आंख रगड़ना एवं विश्वास का धोतक त्योरी चढ़ाना व्यक्ति या उसके कार्यों को नापसंद करना चिड़ होने या उस पर क्रुद होने का संकेत त्योरी चढ़ाना जमाई लेना ऊब या भ्रम का धोतक जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग उम्र हो गए है ना तो ऊब या भ्रम का धोतक अब संचार के जो चरण होते हैं स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन पहला स्टेप होता है इस चरण में प्रेषक द्वारा सूचना या संदेश का कूट संकेतन किया जाता है ताकि ये किसी माध्यम द्वारा भेजे जाने योग्य हो सके कूट संकेतन दूसरा स्टेप है इस चरण में प्रेषक द्वारा संदेश को बिना किसी व्यवधान के भेजा जाता है ताकि प्राप्तकर्ता द्वारा इसे ठीक ठीक समझा सके थर्ड स्टेप में इस चरण में प्राप्तकर्ता प्राप्त संदेश का अर्थ निरूपण करता है तथा आवश्यकता अनुसार इसकी पृथ्व प्रदान करने का प्रयास करता है फीडबैक चौथा स्टेप ये पृथ या फीडबैक स्टेज होती है इसके अंतर्गत प्राप्तकर्ता प्रेषक को उस संदेश या सभी संदेशों जिनका अर्थ निरूपण करना है या कर लिया है करते अपनी घड़ी को देखना या अपने नाखूनों का निरीक्षण करना तो क्या दिखाता है कि आप उप चुके होता है ना क्लास में घड़ी बार बार देख रहे बंद करें सर क्लास तो आपकी ऊप को दर्शाता नकारात्मक भाव किसी व्यक्ति से बात करते समय यदि कोई व्यक्ति अपने कपड़े से रोवा हटाता है तो इसका अर्थ है कि दूसरा व्यक्ति किसी व्यक्ति द्वारा उसके विचारों से असहमित असहमित के रूप में मतलब बार बार कपड़े अपने झाड़ रहे हैं तो लग रहा है असहमित हो रहे हैं किसी को देखते हुए ठुड्डी ठोकने का अर्थ होता है कि वो व्यक्ति दूसरे के विषय में निर्णय पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है हाँ होता तो नहीं सरकार ठुड्डी पर हाँ समझ में आ रहा है कुछ जैसे भी आप लोग करेंगे चलो कुछ तो समझ में आ ही रहा है जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर अपनी आंखों को सिकोड़ता है तो इसका अर्थ है कि वो उस व्यक्ति को उसके विचारों को नापसंद कर रहा है नापसंद करना क्रोध हाँ को प्रदर्शित करता है संवाद के दौरान दूसरे व्यक्ति के अत्यधिक नजदीक खड़ा होना उसे बना देता है, है। तो क्लोज तभी कहते ना कि बिल्कुल लंगूठिया यार वाली स्थिति हो तब तो आप उसके पास जाने दूर बनाकर खड़े दूसरे की उपस्थिति में नीचे की ओर देखना अरुचिका बात कर रहे हैं आमने सामने देख आप नीचे रहे तो मतलब अरुचिका धोतक है तथा कभी कभी अहंकार का लक्षण माना मारा जाए क्या बात करें इससे जब भी आप किसी से संवाद कर रहे हो तो अपने हाथ को चेहरे से दूर रखें बनावटी ऐसी समानता प्रयोग किया जाने वाले एक अन्य छल या धोखा है बहुत लोग बनावटी ऐसी नहीं भी ऐसी आ रही होगी अरे हाँ 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 तो क्या बनावटी हंसी है धोखा है एक तरह से बनावटी हंसी में केवल मुंह एवं अधर लिप्स की ही सम्मिलित होता है जबकि वास्तविक हंसी के दौरान आंखों के कोने सिकुड़ जाते हैं और संपूर्ण चेहरे की भावाभिव्यक्ति बदल जाती है अतः स्वयं को जबरदस्ती हंसाने का प्रयास नहीं करना चाहिए मैंने देखा एस के संवाद के दौरान उब या, तो या, या नितंब पर टिकाना उच्चता या शेषता का लक्षण माना जाता है पीछे नहीं ऐसे बैठते हैं आराम से करके इस प्रकार की भाव भंगा प्रयोग केवल घनिष्ठ मित्रों की उपस्थिति में ही करना चाहिए किसी व्यक्ति से संवाद के दौरान अपनी बाहों को मोड़कर सीने पर रखना को दर्शाता है। अपनी सीने हुआ जबकि कुछ व्यक्ति इस मुद्रा को अहंकार तो तो के रूप में संवाद के साथ इसका अर्थ यह असहज और बेचैन हो रहा है कॉलर कभी का को देखिए कोई कोई व्यक्ति बार बार अपने कॉलर पे संवाद के तो दौरान अपने सिर या गले के पिछले भाग को खुजलाने का अर्थ है अविश्वास या अनिश्चित बात कर रहे हैं और पीछे गले पर हाथ लगाए हुए हैं या सिर पर तो इसका मतलब कि आप उस सामने वाले पर विश्वास नहीं कर रहे अविश्वास या अनिश्चितता से लगाया जाता है इसके अतिरिक्त इसकी व्याख्या झूठ बोलने के लक्षण को भी की जा सकती है कुछ व्यक्ति जब घबराते हैं तथा बेचैन होते हैं तो उनकी पलक झपकने की दर बढ़ जाती है जो कि उनकी चिंता या व्याकुलता को व्यक्त करती है अतः घबराहट के दौरान अपनी पलक झपकाने की आदत पर जागरूक रहकर इसे नियंत्रित किया जा सकता है ये इंटरव्यू में बहुत काम करेगा यहाँ तो काम करेगा यदि कोई व्यक्ति अपने कंधों को झुकाकर रखता है तो ये उसके स्वाभिमान की अल्प मात्रा को दर्शाता है

अत्यधिक बेचैन हो रहा कुछ होता है ना लोग रुमाल तक नहीं रखते हैं हंकी तक नहीं रखते हाथ से यदि कोई व्यक्ति कुर्सी किनारे पर बैठा हुआ है तो इसका अर्थ है कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से असहजता का अनुभव कर रहा है इसलिए कहते हैं कुर्सी पर आराम से पीछे की ओर बैठना चाहिए खासतौर से इंटरव्यू वगैरह में यदि कोई व्यक्ति अपने हाथों से छोटी वस्तु पेन पेपर या मोबाइल फोन से खेलता है तो उसकी चिंता है बाकुलता और दर्शाता है और आज तो सभी लोग मोबाइल से खेलते रहते हैं संवाद के दौरान यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर के भार को लगातार एक पैर से दूसरे पैर पर डालता रहता है तो यह उसके शारीरिक और मानसिक सुविधा की अशांति को दर्शाता है कुछ बातों का संचार के समय ध्यान रखना चाहिए क्या किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाने की विधि या तरीका उसके व्यक्तित्व का प्रमुख परचायक होता है अथा दूसरे व्यक्ति से दृढ़ता पूर्वक हाथ मिलाना चाहिए संचार के समय किसी व्यक्ति को अपने आवाज के लहजे या सुर के प्रकार या गुणवत्ता के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए ऐसी हस्त मुद्रा जिसमें व्यक्ति कि हथेली ना दिखे और नीचे की ओर हो से प्रदर्शित होता है कि वो आक्रामक है किसी व्यक्ति कि की चंचल आंखें प्रदर्शित करती है कि वो या तो भ्रष्ट है या बेचैन है संचार के समय व्यक्ति को सक्रिय श्रोता की भूमिका निर्वहन करनी चाहिए इस वक्त व्यक्ति को वक्ता की आंखों में देखना चाहिए सहमत से सिर लेना चाहिए और बीच में जो कुछ शब्द हो जैसे हाँ ना या अच्छा आदि का प्रयोग करना चाहिए यदि आप ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि आप दूसरे की बातें गंभीरतापूर्वक सुन रहे हैं और उन पर विचार करने के लिए तैयार हैं तो अपने सिर को एक तरफ थोड़ा झुका कर रखें ताकि उसे लगे कि आप उसकी ओर ध्यान दे रहे हैं महिलाओं को अन्य व्यक्तियों से संचार करते समय बिजनेस गैस या कारोबारी दृष्टि का प्रयोग करना चाहिए जिसके अंतर्गत सामने वाले व्यक्ति के माथे के बीच में दृष्टि स्थिर रखा जाता है यदि माथे से नीचे दृष्टि की ओर स्थिर किया जाता है तो सोशल गैस के अंतर्गत आता है यदि आप किसी व्यक्ति से संवाद कर रहे हैं और वह व्यक्ति अपने शरीर को आपसे दूर करता है तो इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति जान जाना चाहता है और अपनी बात कह चुका है वो आपसे उप चुका उसे जाने दीजिए कुछ लोग तो जोरों से पकड़े रहते हैं संचार के दौरान किसी व्यक्ति का पीछे की ओर झुकना एक नकारात्मक संकेत माना जाता है जो कि प्रदर्शित करता है कि आप स्वयं के प्रति अत्यधिक आत्मविश्वासी हैं यदि कोई व्यक्ति संचार के दौरान मुट्ठी बांधता है तो ये उसके क्रोध हताशा एवं अपने विचार या सलाह ना प्रकट करने की मनोवृत्ति को दिखाता है है ना मुट्ठी बांध के अगर यह संचार के दौरान कोई व्यक्ति अपनी उंगलियों को मेज से झटकता है मेज पर फड़फड़ाता भी है तो उसकी ऊब को प्रकट करता है संचार के दौरान यदि कोई तो व्यक्ति बार बार खांसता है या जमाई लेता है तो उससे प्रदर्शित होता है कि वह या तो बेचैन या रहा है यदि कोई व्यक्ति संचार के समय अपनी घड़ी से खेलता है अपना गला साफ करता है या अपनी टाई सीधी रख करता है तो इससे प्रकट होता है कि वो बेचैन है घबराया हुआ है तथा तो आत्मविश्वास नहीं है बहुत प्रशासक तो के समक्ष विद्वान समस्या के समाधान हेतु तो अनेक विकल्प हो सकते हैं और इन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव निर्णय कहलाता, कहलाता है एक कुशल नेतृत्व नियंत्रण समन्वय तथा मनोबल निसंदेह कुशल निर्णय पर आधारित है किसी एक निर्णय से सभी को प्रसन्न कर देने की कल्पना करना भी व्यर्थ है क्योंकि आपके एक निर्णय सभी प्रसन्न वैसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि सर्व स्वीकार्यता मानव समाज में लगभग असंभव है किसी संगठन में मुख्यतः निर्णय मुख्यतः सत्ता और प्रत्यायोजन को प्रभावित करती या करने वाली प्रक्रिया होती है प्रत्येक निर्णय निर्णय प्रक्रिया प्रत्येक निर्णय निर्णय प्रक्रिया का परिणाम होता है प्रशासनिक संगठनों में कोई निर्णय किसी नीति के अंतर्गत लिया लिया जाता जैसे अभी निर्णय लिया गया कि पेपर चौदह को ही होगा भले ही हो रही तो कोई ये प्रक्रिया रही होगी प्रशासनिक अब निर्णय क्या होती हैं होता है इसका कोई टारगेट होगा निर्णय से ही समस्याओं का समाधान योजनाओं का निर्माण एवं इसका कार्यान्वयन होता है तीनों बात सत्य है संगठन में निर्णय ऊपर से नीचे तक विद्वान रहता है डिसीजन जो होता है ऊपर से नीचे तक संगठन में ऊपरी स्तर पर अधिक महत्वपूर्ण निर्णय निचले स्तर पर कुछ कम महत्वपूर्ण ले बिल्कुल बात है सेंट्रल देखिए स्टेट देखिए फिर है ना विलेज देखिए प्रत्येक निर्णय अपने पहले एवं बाद के से प्रभावित होता है बिल्कुल सही कोई भी योजना अगर चलती है तो पहले उस योजना उस योजना में जो आई थी या बाद में क्या उस पर क्या होगा वो देखा जाता है जैसे आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आपके पहले आपने क्या पढ़ाई की कि अब कितनी उस पर डिपेंड करती है निर्णय का कार्य संगठन के प्रत्येक स्तर पर एवं प्रत्येक कार्मिक द्वारा किया जाता है अधिकांश निर्णय सहकारी प्रयासों का परिणाम होते हैं जैसे का एग्जाम है तो आयोग से लेकर ले के डीएम से लेकर एसडीएम से लेकर के सभी लोग इसमें भागीदार होंगे निर्णय निर्णयकर्ता ज्ञान व्यवहार एवं संगठन की प्रगति से प्रभावित होता है जो डिसीजन आप लेंगे वो आप पर होगा जैसे महात्मा गांधी ने फूड इंडिया मूवमेंट का निर्णय लिया था तो उनके और उससे प्रगति को दर्शाता है निर्णय का मूल आधार आपकी विवेकशीलता आपके अंदर कितनी विवेकशीलता है निर्णय अपने आप में साध न होकर साध तक पहुंचने का साधन होता है डिसीजन कोई साध नहीं होता, वो लेकिन साधन होता है साध तक पहुंचने का जैसे प्री एग्जाम में बैठेंगे आप तो ये एक साधन है आपके साथ एसडीएम बनने तक पहुंचने का साइमन की विचारधारा के अनुसार निर्णय दो आधारों पर निर्भर करता है तथ्यात्मक आधार मूल्यात्मक तथ्यात्मक क्या डाटा वाले में क्या तथ्यात्मक आधार है वास्तविकता पर बोल देता है कि वास्तविक क्या है चीजें हैं मूल्यात्मक आधार प्राथमिकता पर बल देता है निर्णय के आधार एवं सिद्धांत पहला क्या है वैधानिकता क्या है वैधानिकता किसी भी निर्णय को निर्धारित कानून एवं नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए बिल्कुल सत्य बात साथ ही निर्णयकर्ता के पास उस निर्णय की सत्ता वैधानिक सक्षमता होनी चाहिए मान लीजिए आप कोई अधिकारी है और उस अधिकारी का निर्णय कैसा का होगा वो नियम कानून से ही होगा नियम कानून सेट के थोड़ी नहीं होगा उद्देश्य किसी भी निर्णय को संबंधित संस्था या संगठन के मूलभूत लक्ष्यों के विपरीत नहीं होना चाहिए जैसे हमारे दे, देश का उद्देश्य है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जनता की भलाई करना तो जो भी निर्णय या जो भी डिसीजन है योजनाएं वो इसी उद्देश्य को लेकर होंगी उचित समय निर्णय करते समय मामलों की गंभीरता तत्कालीनता संगठन के संसाधनों की स्थिरता समय सीमा को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि आप कोई भी डिसीजन कर रहे हैं तो उस वक्त परिस्थितियां कैसी हैं हमें कौन सा निर्णय कब लेना है यह जरूरी होता है जैसे आपको मान लीजिए अब अभी दस दिन का समय बना है और इसे आपको के प्री देना है और आप करेंगे हम चार पांच दिन घूमने जाएंगे तो आपका निर्णय गलत जाएगा पूर्णता प्रशासक को निर्णय से संबंधित सभी घटकों तत्वों तथा आयामों पर स्पष्ट विचार कर लेना चाहिए तथा आधे निर्णयों से बचना चाहिए आप पूरी जानकारी रखें उसकी है ना वैसे भी कहते हैं ना कचरा ज्ञान खतरनाक होता है व्यवहारिकता निर्णय सभी लोगों द्वारा स्वीकारता व्यवहारिक रूप से लागू करने को होना चाहिए ऐसा निर्णय जो लगभग अधिकांश लोगों को स्वीकार हो अधिकतम लाभ उस योजना उस निर्णय से अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण वाली जो थ्योरी हुई कम लागत में अधिक उत्पादन एवं अच्छी गुणवत्ता ही वस्तु एवं सेवाएं देने वाला निर्णय ही संगठन के हित में होता है है ना लागत भी कम हो लाभ अधिकतम हो अनुरूपता निर्णय को सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक वातावरण के अनुरूप होना चाहिए ना किसके विपरीत जो हमारे जैसी कंडीशन है समाज की घर परिवार की उसके हिसाब से निर्णय होना चाहिए वर्तमान में जैसे निर्णय है तो वो आप वर्तमान को देख कर लेंगे ना कि भूतकाल को तार्किकता निर्णय को तार्किक एवं औचित्यपूर्ण मतलब कोई ना कोई उसमें डाटा हो तथ्य हो प्रूफ होना चाहिए तथा तो उसमें व्यक्तिगत इच्छाओं भावनाओं तथा मूल्य का स्थान न्यूनतम होना चाहिए अब निर्णय की शैलियां क्या होती हैं बहुत पूछा जाता है मुख्यतः चार शैलियां होती हैं एक तो होती है निर्देशात्मक शैली जिन निर्णयकर्ताओं में अनेकार्थी शब्दों या प्रकरणों अथवा उलझी हुई परिस्थितियों को सैनिक की क्षमता कम होती है इसमें तार्किकता को पसंद किया जाता है कम से कम सूचनाओं से निर्णय ले लेते ले हैं तथा तो कुछ ही विकल्पों का सहारा लेते हैं इस प्रकार की शैली में तुरंत निर्णय होते हैं तथा तो अल्पकालीन दृष्टि किंतु कार कुशलता से उसे जैसे अभी आप हैं मान लीजिए कल अधिकारी बन जाएंगे या हम लोग थे पहले जब भी हैं तो जैसे हम कहीं नवोदय में शाम को निर्णय आया वहां से डी सी की ओर से या अभी कॉलेज में डिग्री कॉलेज प्रोफेसर हुए हैं कि नहीं आपको तुरंत बताना कि आपके कॉलेज में कितने बच्चे बीपीएल रेखा से नीचे हैं तो आपको तुरंत क्विक भेजना है तो फिर तो बहुत ज्यादा लोग नहीं लगेंगे तो ये क्या निर्देशात्मक शैली आ गई विश्लेषात्मक शैली इस शैली में निर्णय अधिक सूचनाओं तथा विकल्पों की आवश्यकता होती है इस शैली में निर्णयकर्ता सावधानी से निर्ने वाले होते हैं एवं नई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम अब विश्लेषात्मक क्या है जैसे आइए कि मान लीजिए आपसे कहा गया कि आप सर्वे करिए अपने एरिया में कि कितने लोग बीपीएल रेखा से नीचे हैं और उनकी वास्तविक स्थिति क्या है तो सर्वे में टाइम लगेगा आप विश्लेषण करेंगे धारात्मक निर्णय इसमें निर्णयकर्ता अपने सोच में व्यापक दृष्टि रखते हैं तथा कई विकल्पों का सहारा लेते हैं तथा इनका मुख्य ध्यान दूरगामी प्रभावों पर होता है इस शैली में सूचनाओं का सृजनात्मक हल ढूंढना सरल होता है बहुत होता है तो बेहतर व्यवहारात्मक शैली इस शैली में निर्णयकर्ता दूसरों के साथ कार्य करने में रुचि लेता है उच्चाधिकारियों तथा अधीन दोनों की उपलब्धियों तथा तो सुझावों सहित समूह समूचा का स्वागत किया जाता है इस प्रकार की शैली के निर्णयकर्ता प्राय संघर्ष को टालना चाहते हैं तथा सहमति को बढ़ावा देते हैं

इस चरण में निर्णय लेने के अवसरों तथा स्थितियों का पता लगाया जाता है फिर प्रारूप प्रक्रिया क्या है डीसी है ना डिजाइन एक्टिविटी क्या होती है इस द्वितीय चरण में विभिन्न विकल्पों तथा संभावित कार्यविधियों का विकास एवं विश्लेषण किया जाता है इस प्रकार इस चरण में विद्यमान समस्या तथा उसके संभावित विकल्पों के आकलन तथा समाधान के संबंध में चिंतन किया जाता है तीसरा है विकल्प का चयन फिर जब जो कर लेंगे तो विकल्प चॉइस ऑफ एक्टिविटी इस तीसरे एवं अंतिम चरण में समस्त उपलब्ध विकल्पों या कार्यविधियों में से किसी एक का चयन कर लिया जाता है जो निर्णय की दृष्टि से सर्वोत्तम होता है सामान्यता निर्णय प्रक्रिया के निम्न चरणों को सम्मिलित किया जाता है किनको किनको पहला क्या है कि समस्या या उद्देश्य का होना समस्या की व्याख्या विश्लेषण करना समस्या समाधान विभिन्न विकल्पों की तलाश करना प्रत्येक समाधान या विकल्प के परिणामों का मूल्यांकन जिसे छठनी प्रक्रिया भी कहते हैं विभिन्न विकल्पों में से श्रेष्ठतम विकल्पों का चयन लिए गए निर्णय का क्रियान्वयन प्रतियुष्ट या प्रतिपेशण और नियंत्रण अब है टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग निर्णय के प्रकार पहला है कार्यक्रमिक एवं अकार्यक्रमिक निर्णय प्रोग्राम्ड नॉन प्रोग्राम्ड साइमन के अनुसार कार्यक्रमिक निर्णय या दैनंदिन निर्णय वो होते हैं जो दिन-प्रतिदिन के कार्यों से संबंधित होते हैं इसकी प्रक्रिया पहले से ही निश्चित की हुई होती है उदाहरण के को वेतन देना अवकाश देना रिपोर्ट भेजना आदि सब क्या कार्यक्रम पहले से होता है आकार्यक्रमिक निर्णय वो होते हैं जो एक नई समस्या के रूप में सामने आते हैं जिसका पूर्वानुमान नहीं कर सकते चाहे दंगा भड़क गया या कुछ हो गया इन निर्णयों के संबंध में निश्चित प्रक्रिया नहीं रहती है संगठन के नए कार्य तथा योजना इसी श्रेणी में सम्मिलित है फिर अगला है व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक निर्णय व्यक्तिगत निर्णय वो होते हैं जो कोई अधिकारी अपनी व्यक्ति में लेता है जैसे मान लीजिए आप एस हैं और अचानक आपके एरिया में कहीं पर बाढ़ आ गई या कोई छत गिर गई तो अचानक जो निर्णय लेंगे आप तथा तो इन निर्णयों में किसी का हस्तक्षेप भी नहीं रखा संगठनात्मक निर्णय वो हैं जो अधिकारी द्वारा अपनी पदस्थि के कारण लिए जाते हैं दैनिक का आधारभूत निर्णय रोजमर्रा के कार्य में लिए जाने वाले दैनिक निर्णय जबकि आधारभूत निर्णय आत्महत्वपूर्ण होते हैं जो पूरे संगठन पावित करते हैं नीतिगत प्रशासनिकता कार्यकारी निर्णय प्रशासन में तीन प्रकार के निर्णय होते हैं पहला संगठन के उच्च स्तर पर लिए जाने वाले निर्णय नीतिगत निर्णय होते हैं जो सबसे ऊपर कौन से होते हैं नीतिगत जैसे पॉलिसी मेकिंग बना दी गई पॉलिसी उज्ज्वला योजना या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो संगठन के उच्च स्तर पर लिए जाने वाले निर्णय नीतिगत निर्णय होते हैं शासन सचिवालय या लोक उपक्रमों तथा निजी उद्यमों संचालन मंडल द्वारा इस प्रकार के निर्णय होते हैं संगठन के मध्य स्तर पर प्रशासनिक निर्णय लिए जाते हैं जो नीति संबंधी निर्णयों को प्रभावी क्रियान्वयित अब मध्य में क्या वहां से आगे अब यहाँ पर आया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को किस तरह से क्रियान्वयित करना है निम्न स्तर पर कार्यकारी निर्णय लिए जाते हैं जो मूर्त रूप देते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें एक प्रोग्राम चलाना होगा तो ये निर्णय हो गए एकाकी एवं समूह निर्णय प्रशासन में एक व्यक्ति या एक अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय एकाकी निर्णय कहलाता है कोई अगर एक व्यक्ति निर्णय जबकि एक से अधिक व्यक्तियों या समूह द्वारा लिया गया निर्णय समूह निर्णय कहलाता तो है सिंपल है सामान्य एवं विशिष्ट निर्णय सामान्य निर्णय की प्रगत व्यापक तथा दयानाधीन होती है जबकि विशिष्ट निर्णय सीमित तात्कालिक तथा गंभीर प्रक्रिया होते हैं अब निर्णय की तकनीक क्या है पहली तो विवेकशीलता की तकनीक इसका तात्पर्य बौद्धिक क्षमता से है जिसमें हम अच्छे संवेदनात्मक तथा तार्किक निर्णय बुद्धि के द्वारा लेते हैं इस तकनीक का प्रयोग सर्वाधिक होता है इस तकनीक द्वारा कम लागत पर शीघ्र निर्णय होते हैं किंतु व्यक्तिगत मान्यता पर आधारित संगठनात्मक निर्णय घातक भी सिद्ध हो सकते हैं कभी कभी प्रबंध सिद्धांतों की तकनीक संगठन तथा प्रबंध के कुशल संचालन के लिए बनाए गए सिद्धांतों या नियमों को आधार बनाकर भी निर्णय किए जा सकते हैं जैसे आदेश की एकता प्रत्यायोजन संचार समन्वय आदि प्रशासनिक सिद्धांतों का सहारा लेकर निर्णय जा सकते हैं प्रतिमान मॉडल निर्माण तकनीक प्रतिमान या प्रतिरूप से तात्पर्य उस वस्तु या विचार से है जो एक उदाहरण या आदर्श के रूप में किसी कार्य योजना को प्रभावित करता है इस प्रतिमान या प्रतिकृति से वास्तविकता से मिलान करके ही निर्णय लिए जाते हैं व्यवहारात्मक तकनीक व्यवहारात्मक निर्णय तकनीक में निर्णयकर्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति या समूह की सहभागिता अवश्य रहती है इस तकनीक के पूर्ण उदाहरण समूह चर्चा बैठक सुझाव आमंत्रण सहभागी या भी निकाय चुनाव चल रहे हैं आर्थिक एवं वित्तीय तकनीकी वित्तीय तकनीकी में पूर्ण लाभ नियोजित पूंजी ब्याज दर विनियोजित वसूली इत्यादि को आधार बनाकर निर्णय लिए जाते हैं जैसे सुन आधारित बजट बजट निष्पादन इस तकनीक का प्रयोग किया अगला है सांख्यिकी तकनीक वर्तमान में आंकड़े बहुत डाटा मांगती सरकार आंकड़े तत्व सूचनाओं के साथ ही गढ़ती एवं सांख्यिकी परिमाणात्मक विधियों जैसे संभावता के अवधारणा का प्रयोग जैसे आता है साम को मैं में था कश्मीर जब जयपुष्प कि आपको बताना है कि आपके विद्यालय में कितने बच्चे शाम की मीटिंग में उपस्थित थे या कितने बच्चों का आपने शेड्यूल ट्राइब्स में है या कितने अर्बन हैं कितने रूरल वगैरह फिर नाम मात्र की समूह तकनीक नॉमिनल ग्रुप तकनीक इस तकनीक में निर्णय करता करताओं या विशेषज्ञों या समूह अपने विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप में ना कर लिखित रूप में तथा राउंड रोबिन पद्धति में करते हैं ब्लैक बोर्ड चार्ट पर विचारों को प्रदर्शित किया जाता है तथा पूर्ण विश्लेषण समूह कागजी चर्चा तथा सहमत से निर्णय लिया जाता है लिखित रूप से सृजनात्मक विचारों को महत्व देने वाली यह तकनीक परस्पर संघर्षों तथा अंतिन वाद विवाद को कम करती है डेल्फी तकनीक बहुत पूछी जाती है डेल्फी शब्द प्राचीन यूनान के धर्म ग्रंथों से या देववाणी से लिया गया डेल्फी तकनीक इस तकनीक से दूरगामी भविष्यवाणियों के लिए किसी विशेषज्ञ समूह द्वारा कोई भविष्यवाणी भविष्य में करनी है उसके लिए किसी विशेष बिसे विशेषज्ञ द्वारा समूह द्वारा निर्णय लिया जाता है इस तकनीक विशेषता क्या होती है इसमें निर्णय है एक विशेषज्ञ समूह होता है इस समूह का प्रत्येक सदस्य अपनी राय या इनपुट गुप्त रूप से देता है अर्थात समूह के सदस्य अपने आमने सामने चर्चा नहीं करते प्रत्येक सदस्य को दूसरे से गुप्त रूप से प्रस्तुत तथा इनपुट प्राप्त होता है यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि एक संयुक्त सुविचारित निर्णय प्राप्त नहीं होता यह तकनीक मूलतः गोपनीयता पर निर्भर करती है अतः हर कोई निर्भीक ढंग से निर्णय करता है डेल्फी तकनीक है ना ये तो होता है कॉलेजों में जैसा होता है या ऑफिस में होता है डीएम ने चुपचा बुला लिया इस एस को बुला लिया फिर उसको बुलाया आप बताओ आप क्या बताओ कॉलेज में प्रिंसिपल करता है अच्छा आप बताओ आप बताओ चुपचाप अलग अलग मीटिंग तो तकनीक डेल्फी तकनीक से निकले निर्णयों को मृत व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले संदेशों की संज्ञा दी जाती है है तभी तो उसका नाम डेट से ना और इस तकनीक के दोष क्या है तो समय अधिक लगता है आप सबसे बार बार बात करेंगे वैज्ञानिकता का अभाव होता है ये पता नहीं चलता कि इसने क्या कहा है अब आधुनिक निर्णय की तकनीक क्या क्या एक तो रैखिक कार्यक्रम है इसमें गढ़ती गणना के आधार पर जो परिणाम प्राप्त होता है उससे निर्णय लिया जाता है रेखी कार्यक्रम फिर परिचालन अनुसंधान ऑपरेशनल रिसर्च ये तकनीक संभावित विकल्पों में श्रेष्ठ विकल्प का चयन परिणात्मक आधार पर करती है फिर अगला प्रोग्राम एवल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक चार्ट ये तकनीकी एवं स्वयं साधनों में श्रेष्ठतम नियोजन का परियोजना उपयोग करती है फिर अगला क्रीड़ा सिद्धांत गेम थ्योरी इस तकनीक द्वारा ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जिससे परिणाम की जानकारी या उस पर नियंत्रण सोच से परे होती है फिर एक कंप्यूटर अनुरूपण विधि इसमें किसी मॉडल पर प्रयोग होता है फिर निर्णय वृक्ष विधि इस तकनीक का प्रयोग तब किया जाता है जब सूचना अपर्याप्त होती विभिन्न तो निर्णय मॉडल क्या है पहला साइमन का मॉडल कैसा है साइमन का मॉडल है निर्णय निर्माण मॉडल फिर लिमडाम का वृद्धशील मॉडल सत्योजिनी का मिश्रित मॉडल डोर का स्थितम प्रतिमान फिर निर्णय में जो बाधाएं क्या क्या आती हैं प्रोफेसर मार्क्स के अनुसार निर्णय में संबद्ध मुख्यतः तीन समस्याएं किसी प्रकार के सामने आती हैं पहला क्या है किसी समस्या के समाधान हेतु तो उस किस विकल्प को अपनाया जाए अनेक समस्याओं के विद्वान होने की स्थिति किस समस्या को पहले पाया जाए किसी समस्या के समाधान हेतु तो कितने प्रयत्न समय तथा धन का प्रयोग किया जाए उपयुक्त बाधाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य बाधाएं भी आती हैं निर्णय तंत्र की सीमा एक आपकी सीमा हो संगठनात्मक स्तर पर संगठन की पद सोपान प्रणाली आदेश की एकता संचार एवं समन्वय प्रणाली तथा प्रत्यायोजन आदि निर्णय में सहायक तकनीक होते हुए भी कई बार बाधा उत्पन्न हो जाती है लोक प्रशासन के क्षेत्र में लिए जाने वाले निर्णयों को सत्ता वित्त मापदंड समय कानून मूल्य राजनीतिक दबाव समूह सामाजिक परिवेश अर्थव्यवस्था भौगोलिक परिस्थितियां आदि निर्णय प्रभावित करते हैं मानव व्यवहार की सीमाएं भी इसमें होती हैं भाई आपका बिहेवियर शामिल होता है निर्णय मानव व्यवहार का एक रूप होता है प्रत्येक निर्णयकर्ता की एक सांस्कृतिक शैक्षिक पारिवारिक सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि होती है जो निर्णय प्रभावित करता है अभी देखा नहीं आपने कानपुर देहात में साहब ने किस तरह वहां पर किया कि उनकी मानव व्यवहार की सीमा भी उनके कहीं ना कहीं थी इसके अतिरिक्त आयु जाति लिंग भाषा देश देशकाल बुद्ध एवं चरित्र को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं दिनचर्या की समस्या कई बार प्रशासक निर्णयकर्ता पर दैनिक कार्यपालिक जैसे पत्रों का उत्तर देना फाइलों पर टिप्पणी लिखना या अधिनों को निर्देश देने संबंधी समस्या इतनी हावी हो जाती है कि महत्वपूर्ण व दीर्घकालिक तात्कालिक ता महत्व डालता रहता है अगला है अभिनय या पक्षपात की समस्या पक्षपात अगर कर रहा है तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते जब किसी व्यक्ति का ये मत विचार पक्षपात के रूप में एक क्यों, एक दूसरे पर झुके प्रवृत्त हो तो उसे अभिनित कहा जाता है ये जानबूझ करें अनजाने में भी हो सकता है अभिनित के कारण निर्णय विवेकशीलता का कठिन हो जाता है व्यवहार और अभिनित की समस्या वंश परिवार जाति भाषा क्षेत्र लिंग आयु धर्म शिक्षा अनौपचारिक समूह के प्रभाव के कारण आ सकती है वो ना कि हम उत्तर भारतीय हैं दक्षिण भारतीय हैं या इस तरह कोई अपने मन में रख लेना अन्य समस्याएं कि संगठन में तथ्यों सूचनाओं आंकड़ों संग्रहण एकत्रण की अपनी सीमाएँ होती हैं कई बार समस्या अपने आप में इतनी जटिल अस्पष्ट या बहुयामी होती है कि उसका आरंभ एवं अंत ढूंढना कठिन होता है आप समझ नहीं पाते समस्या है क्या इसके अतिरिक्त लोक प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप तथा संसाधनों की कमी भी है ना निर्णय आप करना चाहते हैं बट पॉलिटिकल प्रेशर आपके पास बहुत होता है आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं फिर टैरी का निर्णय संबंधी सुझाव क्या क्या है समस्या को वास्तविक रूप से पहचाने समस्या के समान पृष्ठभूमि से संबंधित सूचनाएँ एवं दृष्टिकोण एकत्र करें कार्य साधन के सर्वोत्तम मार्ग को बनाएं नियोजन तथा काम चलाऊ निर्णय निश्चित करने का प्रयास करें इस काम चलाओ निर्णय का मूल्यांकन करें इस चरण में वास्तविक या स्थायी निर्णय करें और उसे क्रियान्वित करें प्राप्त परिणामों के आधार पर भावी कदम निश्चित करें और यदि आवश्यक हो तो निर्णय में संशोधन कर लें इस प्रकार आज का वीडियो ये समाप्त हुआ लगातार आप जुटे रहेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे श्रेर इतना टप नहीं इसको देख लीजिए कुछ हिंदी पढ़ लीजिए घर में सामान हिंदी बीस नंबर की आती है रख लीजिए उसको कुछ मैथ तैंतीस नंबर चाहिए बहुत टफ नहीं है अभी भी सात घंटे मात्र दीजिए इसको ये दो वीडियो मैंने दिए हैं आपको मुश्किल से एक घंटे का है दोनों वीडियो मिलाकर के इसको दो से तीन बार सुन लीजिए तो कुछ क्वेश्चन यहां से कुछ हिंदी और जीएस अन्य के लिए आप लगे रहिए है ना समय को बर्बाद मत करिए और करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान रस्रियावत जाते निशान तो आप तो विद्वान बनी जाएंगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें लगातार पीसीएस प्री तक इस पर ऐसे ऐसे वीडियो आते रहेंगे जो आपको चौदह मई के बाद आपको विश्वास दिलाएंगे आपने कितना यहां से हासिल किया जय हिंद जय भारत धन्यवाद